Hello friends, welcome back to third chapter of this series where we are going to talk about skin retouching technique. पहले दो sessions में हम देख चुके हैं कि first series में हम किस तरह से skin retouch कर सकते हैं beginner level पे using clone stamping tool. Second series में हमने देखा कुछ अच्छे results हम achieve कर सकते हैं using Gaussian blur tool. इस series में हम जानेंगे कि with the help of few technique, किसी एक tool के हम बात नहीं करेंगे लेकिन with the mixture of few tools हम किस तरह से ग्रेट टू ग्रेट रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं. थर्ड सीरीज में जब हमने गॉशन ब्लर यूज करते हुए हमने देखा था कि हमने मॉडल जिनके की बहुत ज्यादा स्कार्स थे चेहरे पे उसको एकदम से चेंज किया था बहुत सुंदर वेरिएशन के अंदर जिसमें उनके स्कार्स बिल्कुल हट गए थे. लेकिन इसी के साथ हमने एक चीज नोटिस करी कि जब हम गॉशन ब्लर टूल यूज कर रहे हैं तो फाइनल रिजल्ट में एक मिल्की वे एक ब्लरीनेस उनके चेहरे पे आ गई थी. दो रिजल्ट्स बहुत सुंदर थे लेकिन वो मिल्की वे हल्की सी स्किन की जो टेक्सचरिंग थी लूज कर गए थे एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ गॉशन ब्लर टूल. इस सीरीज में हम देखेंगे कुछ टूल्स की मदद से कुछ टूल्स को यूज करते हुए जिसमें कि एक टूल गॉशन ब्लर टूल भी है. गॉशन ब्लर टूल विद द हेल्प ऑफ हाई पास और समथिंग आई डोंट गेट कंफ्यूज कि हम किस टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं. जब हम सीरीज में देखेंगे अभी ट्यूटोरियल में then it will be very easy. और सीरीज में हम ये भी देखेंगे कि जो टेक्सचर है जो स्किन का जो डिटेलिंग है वो स्किन रिटचिंग होने के बाद किस तरह से हम वापस से अचीव कर सकते हैं जिससे कि जो फाइनल रिजल्ट हमारा होता है वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होता है. सो हेलो वंडरफुल पीपल, दिस इज अनुभव शर्मा फ्रॉम अनुभव शाह फोटोग्राफी. विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. All right, first thing first, let's open Photoshop and open the model image. So, इस सीरीज के लिए हमने इन मॉडल की इमेज को सिलेक्ट किया है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा स्कार्स हैं और देर आर सो मैनी एक्ने सो मैनी स्कार्स विच इज सो मच विजिबल ऑन द स्किन कि इनकी स्किन को किस तरह से रिटच कर सकते हैं और किस तरह से हम बिल्कुल नेचुरल इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट सीरीज में हमने बात की थी क्लोन स्टैंपिंग टूल की, सेकंड सीरीज में हमने बात करी गॉशियन ब्लर टूल की. सो इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं कुछ डिफरेंट मेथड्स की जिसमें कि हम डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सो दिस इज अवर मेन इमेज, लेट्स मेक इट क्लियर, मेक कॉपी कंट्रोल जे और कमांड जे, इसको हम रिनेम करते हैं बैकअप एंड वी जस्ट डिसेबल इट. इसको हम करते हैं मेन एंड इसी की हम एक कॉपी रेप्लिका बना लेते हैं. इसको हम लिखेंगे, इसको हम रिनेम कर देते हैं लो फ्रीक्वेंसी कलर. नाउ इस सीरीज में बात कर रहे हैं लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी की जिनके यूसेज हम ये देखेंगे जो हमने गॉशियन ब्लर वाली सीरीज में रिजल्ट्स अचीव किए थे उस सेम रिजल्ट्स को और ज्यादा मॉडिफाई हम कैसे कर सकते हैं जिसमें कि स्किन टेक्सचर भी निकल के आ जाए और हमारा वो जो एक मिल्की सा इफेक्ट होता है वो हट जाए और उसकी जगह बिल्कुल एक स्मूथ स्किन प्लस गुड स्किन टेक्सचर निकल के आए. एंड नाउ वी विल गो टू फिल्टर ब्लर गॉशियन ब्लर and just make it somewhere 5 or 6. I think for this image somewhere I'll take 6.8. You can take any of the range as per your requirement कि कितने scars हैं कितना है, पर ये ध्यान रखें 6-7 से ऊपर ना जाएं. Now make another copy of the same main layer and rename it to high free frequency color. Oops, is spelling wrong. Frequency. Now make high frequency layer to the top and then go to image, apply image. It is very easy task. Just go to low frequency, select channel RGB, blending mode, make sure that it should be subtract. Scale should be 2 and offset should be 128. It is not the default range. You need to make sure that should be 2 and 128.
press OK. Select any of these effects. So we will start with, I think Vivid Light is more better at this point of time. Agar hum chahenge, usko baad mein hum change karenge. So for better start, let's go with Vivid Light. तो अब जो हमने हाई फ्रीक्वेंसी लेयर को हमने अभी अभी क्रिएट किया है और अभी हमने हाई फ्रीक्वेंसी लेयर को क्रिएट करके उस पर अप्लाई इमेज किया विविड लाइट में, उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज किया है. एंड नाउ सेलेक्ट लो फ्रीक्वेंसी कलर एंड सेलेक्ट कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट. एंड वंस इट इज सिलेक्टेड, गो टू फिल्टर ब्लर Gaussian blur and select any range somewhere. Again, it should be dependent on entirely on amount of scars a model is having. क्योंकि ये वाले जो model हमने choose करी हैं, इनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा scars हैं. तो we will select a particular range somewhere 10. Click OK. And once it is done, select smart filter and Control I or Command I in Mac and then ब्रश टूल सेलेक्ट करें. मेक श्योर योर फोरग्राउंड कलर शुड बी वाइट सॉफ्ट एज राउंडेड. हमने ब्रश सेलेक्ट किया है, इसका थोड़ा सा साइज हम ज्यादा करते हैं और स्टार्ट पेंटिंग ऑन द फेस. टाइम लेते हुए आराम से इसको करें, बहुत क्विकली भी इसको परफॉर्म ना करें. मेक श्योर योर ओपेसिटी शुड बी 100. अगर गलती से आपसे कहीं कोई गलत एक्शन हो जाता है, सो डोंट वरी, बिकॉज दिस इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव मोड. जस्ट मेक श्योर दैट यू टॉगल बिटवीन वाइट एंड ब्लैक. सो मेक श्योर योर ब्लैक कलर इज ऑन द फोरग्राउंड एंड और यू कैन जस्ट सिंपली प्रेस एक्स टू टॉगल बिटवीन द कलर्स एंड यू कैन जस्ट रीपेंट इट. या सो इट विल अंडू द इफेक्ट. So I just quickly select high frequency and soft light. I think soft light is much better for this example. So I'm just selecting again my smart filter and I'm just taking more time to make it more better. So time lete hue ab aaram se ise complete kare. Don't worry about the blurriness. Once it is done, just click on low frequency color main layer and create a mask. Make sure your foreground color is black. Your opacity should be somewhere 35% is fine. And again we will apply the same rule which we applied in the second series, ki hum in model ke eyes, eyebrows, nose tip aur lips ko sharp karenge. Now select this. Foreground color is black and there you go. मैं थोड़ा सा इसको speed up कर देता हूँ to save the time. नाउ फर्स्ट पॉइंट हमने कवर कर लिया है. फर्स्ट पॉइंट में जिसमें हमने इनकी आईज, आईब्रोज, नोज टिप एंड लिप्स को रिटच किया है. सेकंड पॉइंट जो हमने सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया था कि फेस को छोड़कर हम इनके जितना भी रेस्ट एरिया है उसको हम वापस से क्लियर करेंगे. ओपेसिटी 100 एंड इट शुड बी अगेन ब्लैक एज फोरग्राउंड एंड स्टार्ट पेंटिंग.
Now, little bit decrease the opacity, somewhere 25, 20. Okay, cool. Now, if you see, we have achieved a very good amount of skin, but we are still losing the texture of the skin. Now, what we are going to do is, we are again making a copy for main layer. Let's do Control J and we will call it as texture and make it on the top. Now, right click and click on Convert to Smart Object. Now, click on Filter, Other, High Pass. Now, it should be somewhere 1 or 2, not more than 2. क्या आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कितना रखना है? आप इसको जितना बढ़ाएंगे, आप देखेंगे इनकी ये विजिबिलिटी ज्यादा होती जा रही है स्कार्स की. You need to make sure कि कम से कम विजिबिलिटी हो. For this case, I'm just taking 1. Okay, 1 is cool. So for this, select blending mode and click on linear light. Now, once it is done, just click on mask and make it inverted by Control I or Command I. Make opacity 200 and make sure your foreground color is white. And start painting on the face to get the texture back. Now we have seen, we have completed the texture thing and we have retained back all the texture on the skin and it is now looking more realistic. Aur agar aap isko compare kare before and after se, so this is the results which we have achieved and that was the initial image. So this is the before and after. Before and after. Before and after. अगर आपको कुछ ज्यादा इनके और टेक्सचर को निकालना है, आपको लग रहा है थोड़ा सा ब्लरी और इफेक्ट आ रहा है, उसको कम करना है, दैट कंप्लीटली फाइन. अगेन टेक्सचर पे आप क्लिक करें, ओपेसिटी को थोड़ा बढ़ा लें एंड मेक श्योर योर फोरग्राउंड कलर इज वाइट और उस पर आप पेंट करना स्टार्ट करें. जब तक आपको वो रिजल्ट नहीं मिल जाते विच इज एज पर योर रिक्वायरमेंट्स. Before and after, before and after. There you go. So all right, we have already seen कि किस तरह से हमने कितनी खूबसूरती से scars, किसी भी तरह की जो acne है चेहरे पे, उसको हम completely retouch कर सकते हैं Adobe Photoshop पे using such kind of combination of tools. इनमें से जो भी हम tools की बात कर रहे हैं, चाहे वो first series की हमने बात करी, second, third की जो हम बात कर रहे हैं या fourth की जो हम बात करने वाले हैं next series में, इनमें से जो भी टूल आपके लिए यूजफुल है, आपके स्किल्स के अकॉर्डिंगली बेस्ट है, उसको अडॉप्ट करें और यूज करें. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप इसको अपनी डेली प्रैक्टिस के अंदर लेकर आए, क्योंकि आप नोटिस करेंगे जैसे जैसे आप इसको यूज करते जाएंगे, टूल्स हम सबके पास सेम ही है लेकिन हम सबकी क्रिएटिविटी, विजडम, हम सबकी जो अपनी एक सोच है वो डिफरेंट है. और उसी की वजह से हम सेम टूल को आप भी यूज कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, कोई और भी कर रहा है, लेकिन हम सबके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं और यूनिक होते हैं. हो सकता है कि जब आप इस चीज को यूज करें, इन टूल्स को यूज करें, तो आपके रिजल्ट्स कुछ इस तरीके के हों जिससे कि और लोग भी कुछ नया सीख पाएं.
दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप इन टूल्स को जरूर अपनी डेली प्रैक्टिस के अंदर लेकर आए. कहीं भी कोई डिफिकल्टी आती है यू कैन कमेंट टू डाउन बिलो ऑन दिस वीडियो और यू कैन सेंड पर्सनलाइज मैसेज टू मी थ्रू माई वेबसाइट anubhavshahphotography.com. एंड वी विल बी बैक वेरी सून विद द फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ सीरीज 4, जिसमें कि हम एक और हाई एंड टेक्निक के बारे में जानेंगे कि किस तरह से हम स्किन को रिटच कर सकते हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू डिफरेंट टूल्स. एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल राइट नाउ, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब एंड हिट द bell icon. So as I always say, keep clicking, keep sharing, keep smiling. This is Anubhav Sharma from Anubhav Shah Photography signing off.